नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं आपका अपना दोस्त भूपेंद्र सिंह स्वागत करता हूँ पहाड़ों से एक और नए फ्रेश और कमाल ब्लॉग में आपका। तो समय हो रहा है अभी सुबह के करीब 5:44। ये देखिए सुबह सुबह का समय है, 5:43 हो रहा है अभी। तो मैं भी उठ चुका हूँ, फ्रेश फ्रेश होते हैं, हाथ मुँह वगैरह धोते हैं और सुबह सुबह के काफ़ी बेहतरीन नज़ारे, एकदम शांत प्यारे नज़ारे बन रहे हैं, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो मौसम देखिए, तो ब्लॉग शुरू करते हैं, दिन शुरू करते हैं। चैनल में पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज इतनी सुबह सुबह उठने का एक ही कारण है, जल्दी से बसें पकड़नी है और हल्द्वानी के लिए जाना है। कल आपने देखा होगा ब्लॉग में, वहाँ पर हमने जो बाइक ले रखी थी आज उसको लेके आना है। तो शुरुआत ही करते हैं दोस्तों आज के ब्लॉग की और देखते हैं आज का दिन कैसा रहता है और क्या कुछ माहौल रहता है आज का। तो शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। मौसम देख लीजिए सुबह सुबह का, कितना प्यारा माहौल बना हुआ है, प्यारी सी आवाज़ आ रही है चिड़ियों की चहचहाट की, तो खूबसूरत नज़ारे सुबह सुबह के। तो एंजॉय करिए दोस्तों और मौसम देखिए, शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। तो फाइनली फ्रेंड अभी समय हो रहा है करीब 7 बजे का, मैं भी रेडी हो चुका हूँ, अमित भाई भी आ रहा है पीछे से। तो अब हम चलते हैं सीधे हल्द्वानी के लिए, बस से जाएंगे, गाड़ी नहीं ले जाएंगे। तो चलते हैं हल्द्वानी और शोरूम पहुंचते हैं और अपनी बाइक लेके आते हैं। तो अमित भाई भी आ चुका है, चलते हैं। तो फ्रेंड फाइनली कसलिंग मार्केट पे पहुंच चुके हैं हम लोग और देख रहे हैं मार्केट में कितनी सून। 6:30 बजे का अभी समय हो रहा है और अभी भी लोग इक्का दुक्का दुकानें खुली हैं मार्केट की। जो दूध देने आते हैं यहाँ पे तो वो भी अभी नहीं आ रखे हैं, यानी कि अभी बहुत सुनसानी है कुल मिला के अगर बात करूँ तो मार्केट पर। और वादियों में धीरे धीरे कोहरा सुबह से ही छा रहा है, आप देख सकते हैं। इस तरफ को मुक्तेश्वर घाटी है जो बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रही है, बाकी मौसम काफ़ी प्यारा हो रखा है सुबह सुबह। तो वेट कर रहे हैं हम भी बस का, 7:30 बजे आती है बस, या 7 से 7:30 के बीच में आती है बस। तो बस का वेट कर रहे हैं, फिर बस में चलते हैं हल्द्वानी। फ्रेंड फाइनली हमारी बस भी आ चुकी है सामने रही, तो चलते हैं इसी में हल्द्वानी को। तो फ्रेंड फाइनली बस पे चढ़ गए हैं और बस पे बैठ गए हैं। बस पे बैठने का भी अपना मजा है, काफ़ी समय बाद बैठ रहे हैं हम लोग भी बस पे। तो अभी हम पहुंच रहे हैं दोस्तों सतबुंगा के एरिया में, यानी सतबुंगा एरिया पे। और नीचे जो गांव देख रहे हैं ना, सतबुंगा का पाटा गांव, काफ़ी खूबसूरत विलेज है, काफ़ी खूबसूरत यहाँ से व्यू जाते हैं। तो अच्छा गाँव है सतबुंगा का, यहाँ से बस रामगढ़ 15 किलोमीटर पर है। तो फाइनली फ्रेंड हम लोग पहुंच चुके हैं अभी मल्ला रामगढ़ पे, और मल्ला रामगढ़ की ये मार्केट है। सुबह सुबह का माहौल है, धीरे धीरे दुकानें भी खुल रही हैं और मार्केट पे भीड़ भी देखने को मिल रही है। भीड़ तो क्या कहूँ, मतलब कि लोग धीरे धीरे आने लगे हैं मार्केट में। तो मल्ला रामगढ़ से भवाली, भवाली से फिर हल्द्वानी। सुबह का माहौल है, अभी कुछ दुकानें बंद ही हैं देखिए, और कुछ दुकानें खुल चुकी हैं। ये जो नीचे को रोड गया है ये झूतिया को जाता है डाक बंगले को, और ऊपर को जो रोड जा रहा है ये जाता है आपका भवाली को। तो चलते हैं। तो फ्रेंड सफ़र में चलते चलते अभी हम लोग पहुंच रहे हैं भवाली पे, भवाली मार्केट पे पहुंच रहे हैं। जो गोल चक्कर है ना, उससे वहां तो जाती ही है बस, वहां जाना ही होता है बस को। तो गोल चक्कर के पास में जा रहे हैं अभी, और देखिए भवाली में जो सुबह के हालात हैं, सुबह का जो माहौल बना हुआ है मार्केट में, मस्त लग रहा है सुबह का समय। तो फाइनली जो गोल चक्कर है ना, उसके बाद पेट्रोल पम्प है, यहीं से गाड़ी रिवर्स होती है। इसके बाद रिवर्स होके गोल चक्कर होते हुए हल्द्वानी के लिए जाएगी। सीधे हल्द्वानी को बस नहीं जाती है, मार्केट आना ही होता है, गोल चक्कर के पास में आना ही होता है। तो अभी पेट्रोल पंप भी आया था, यहाँ से गाड़ी बैग हो रही है, रिवर्स हो रही है, तो फिर से चलने लगे हैं हम गोल चक्कर के पास में। तो ये देखिए फाइनली गोल चक्कर पे पहुँच गए हैं। ऊपर को जो रोड गया ये जाता है आपका नैनीताल को, और ये जाता है आपका खैरना गर्म पानी अल्मोड़ा को, रानीखेत को। तो हमने जाना है लेफ्ट में, गोल चक्कर के लेफ्ट में हल्द्वानी की तरफ को। फाइनल फ्रेंड हमारी एंट्री हो चुकी है हल्द्वानी शहर में, करीब 10 बजे का अभी समय हो रहा है, 3 घंटा पूरा लग गया, अभी भी हम स्टेशन पे नहीं पहुंचे हैं। तो फाइनल फ्रेंड हल्द्वानी पहुंच गए हैं अभी स्टेशन के पास में, और यहां से हम एक टुक में बैठे हैं और सीधे जाएंगे रामपुर रोड हीरो शोरूम पे। तो हम लोग बैठे हैं इस टुक में, बहुत टाइम बाद ऐसा सफ़र करने का भी मौका मिला और बहुत समय बाद बस में सफ़र किया। आप लोग भी कमेंट कर जोन में बताइए कि आप लोग भी लोकल बसों में कभी सफ़र करते हैं। बस का सफ़र भी अलग मज़ा रहता है, 3 घंटे से ऊपर लग गया मुक्तेश्वर से यहाँ पहुँचने में, लेकिन फाइनली पहुँच गए। फ्रेंड फाइनली इस टुक टुक के जरिए हम पहुंच चुके हैं हीरो शोरूम के पास में रामपुर रोड पे।
अब चलते हैं अंदर, जो भी अपनी कार्रवाई है उसको कंप्लीट करते हैं, फिर लेके चलेंगे यहाँ से बाइक। तो फ्रेंड फिलहाल आ चुके हैं हम शोरूम के अंदर और जो फाइनल स्टेप है उसका प्रोसेस चल रहा है अभी, और मैं अभी आपको बाइक भी दिखाता हूँ, बाइक कौन सी है, बाइक का थोड़ा वॉक अराउंड भी दिखाऊंगा आपको। तो शोरूम के अंदर तो पहुँच चुके हैं और मस्त यहाँ पे सुबह से ही लोग आते जाते रह रहे हैं। तो चलिए मैं आपको पहले बाइक दिखाता हूँ। तो फ्रेंड फाइनली सारा प्रोसेस पूरा हो चुका है, अब समय आ चुका है बाइक की डिलीवरी लेने का। तो फाइनल फ्रेंड अब समय हो चला है यहाँ से निकलने का। तो जो भैया हैं ये गाड़ी को गेट पास करवा रहे हैं, यानी कि बाहर ला रहे हैं गाड़ी को, और हीरो शोरूम ने काफ़ी अच्छी डीलरशिप दी हमें जो रामपुर रोड पे है। अगर आप भी उत्तराखंड के हैं, नज़दीक से आप लेना चाहते हैं तो यहाँ पे ज़रूर आ सकते हैं। तो फाइनली भैया भी लेके आ गया बाइक। तो फ्रेंड शोरूम से निकालने के बाद गाड़ी हम इस पर फ्यूल अप करा रहे हैं, टैंकी फुल करते हैं, फिर निकलेंगे घर को सीधे, और मैं तो घर ही पे चलाऊँगा यहाँ से, तो अमित भाई ही ले जाएगा बाइक को। पेट्रोल फुल अप कराते हैं फिर चलते हैं। फ्रेंड बाइक निकल लेके हम शोरूम से जैसे ही निकले बाहर आ गई है बारिश, काफ़ी तेज़ बारिश देख सकते हैं आप। बाइक हमने सामने में खड़ी की है और हम लोग यहाँ पे आशा ही ले रहे हैं, यानी कि बारिश से बचे हुए हैं अभी। बहुत तेज़ बारिश, देखिए नई नई बाइक शोरूम से निकली, बेचारी धुल गई आज। बारिश देख रहे हैं आप कितनी हार्ड बारिश हो रही है। फ्रेंड बारिश अभी बिल्कुल भी बंद नहीं हो रही है, लगा एक घंटे से ज़्यादा हो गया हम बैठे रहेंगे यहाँ पे, और केले मंगा लिए हैं भाई ने, केले वेले खाते हैं, बारिश का वेट है कब तक बंद होती है बारिश। अगर बारिश बंद होती है फिर आगे का कार्यक्रम देखते हैं। बाहर देख सकते हैं आप लगातार बारिश हो रही है, करीब 1.5 घंटा हो गया है। तो पास में फल वाले भैया भी थे जिससे हम केले वगैरह ले रहे हैं और खा रहे हैं यहाँ पे, क्या करें, देखना पड़ रहा है बारिश को कब तक होती है पता नहीं। तो फाइनली दोस्तों हल्द्वानी से निकल चुके हैं, अभी शाम के 4:30 बजे का समय हो रहा है, भीमताल पहुंचने वाले हैं। सामने देखिए क्या मस्त सीनरी आ रही है, एकदम ग्रीन मस्त लग रहा है। हल्द्वानी में तो इतनी तेज़ बारिश में ही फंसे रह गए, और भी कुछ हमारे काम थे वो भी नहीं हो पाए। इस तरफ को है हल्द्वानी, वहाँ देखिए अभी भी कैसा मौसम बना हुआ है। एंड हल्द्वानी से निकलने के बाद अभी हम पहुँचे हैं, ये जो ऊपर को रास्ता गया ना ये जाता है सतबुंगा रामगढ़ होते हुए कस्याले पहुँचाता है हमें, और जिस रास्ते पर अभी हम हैं ये हमें पदमपुरी धारी होते हुए ले जाता है, तो हम इसी रास्ते से चलते हैं। ये तकरीबन थोड़ा 10-12 किलोमीटर का फ़र्क है इस रास्ते में। तो फ्रेंड थोड़ा सा हम लोगों का सफ़र रह गया है, बस पहुंच ही जाते हैं कस्या लेक पे। तो फाइनली दोस्तों चलते चलते अभी हम पहुंच गए हैं भालूगाड़ वाटरफॉल पे, यहीं पे है भालूगाड़ वाटरफॉल एंट्री गेट। अभी तो सुनसानी लग रही है यहाँ पे, भी सामने है भालूगाड़ एंट्री वाटरफॉल का गेट। तो चलते हैं कस्या लेक की तरफ को, और अमित भाई ना काफ़ी मस्त ड्राइव कर रहा है। तो फाइनली दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं कस्या लेक मार्केट में, और बाइक गुड्डू भाई के यहाँ पर रख दी है। और कस्या लेक मार्केट में ना हल्की चहल पहल हो रही है शाम के समय में, और यहाँ का जो मौसम है घाटियों पर कोहरा छाया हुआ है। तो बाइक यहीं खड़ी करते हैं फिर चलते हैं घर को। तो फाइनली फ्रेंड शाम तो हो ही चली है पहाड़ों में, और हम अभी भी कस्या लेक मार्केट में ही हैं, और धीरे धीरे दुकानें भी आप क्लोज होते जा रही है मार्केट की। और बाइक ना हमने मामू के यहाँ पर खड़ी कर दी है, पास में ही हमारी गाड़ी अल्टो भी है और यहीं पर हमने बाइक भी खड़ी कर दी है। बाइक को कल गैरेज में डालूंगा क्योंकि अभी चाबी है नहीं अपने पास में, तो यहीं पर आज इसको रख के जाएंगे। तो दोस्तों फाइनली पहुंच चुके हैं घर पे, और घर से ना मैं आपको शाम के नज़ारे दिखा रहा हूँ। देखिए घाटियों में पूरा कोहरा छाया हुआ है, और हल्द्वानी में जितनी तगड़ी बारिश हुई ना वैसी बारिश तो अभी यहाँ हो नहीं रही है, लेकिन यहाँ मौसम काफ़ी शानदार बना हुआ है। घाटियों में देख सकते हैं बढ़िया कोहरा लग रहा है और सुहावना मौसम हो रखा है। तो फ्रेंड ये था हमारा दिन भर का ब्लॉग, आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। तो मिलेंगे आपसे एक और नए ब्लॉग में, यानी कि कल। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा वो ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, ख्याल रखिएगा।